Hi students, my name is Faiz Shakir. Welcome to third lesson of civics, electoral politics. बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ elections इन इंडिया को डिस्कस करेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में हमने what makes an election democratic और पॉलिटिकल कंपटीशन को डिस्कस किया था. आज की इस वीडियो में हम लोग सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया को डिस्कस करेंगे. टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. कहने का मतलब है कि आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसकी शुरुआत करते हैं. कहता है, इन इंडिया लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. कहता है कि भारत में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन हर 5 साल पर होता है, लगातार होता है, हर 5 साल पर होता है. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. कहता है कि हर 5 साल के बाद जिन नुमाइंदों को जनता चुनती है उनका टर्म खत्म हो जाता है. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. कहता है कि जब representatives का जब टर्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद चाहे वह लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, वह करवाया जाता है या तो पूरे देश में. आप देखेंगे कि पूरे देश में जनरली जो इलेक्शन जो होता है वह अलग अलग दिन पर होता है, मतलब कुछ दिनों का गैप होता है, एक बार जनरली इलेक्शन नहीं होता है. हाँ, अगर हम स्टेट के बारे में बात करें, कोई छोटा स्टेट है तो सेम डे हो जाता है, अगर कोई बड़ा स्टेट है तो वहां पर भी जो है एक दिन में इलेक्शन नहीं होता है, कुछ दिनों के गैपिंग पर इलेक्शन होता है. दिस इज नोन एज जनरल इलेक्शन. कहता है कि इसको जो है वह हम जनरल इलेक्शन कहते हैं. यानी कहने का मतलब है कि अगर 5 साल के बाद इलेक्शन हो, अगर सरकार अपना टर्म पूरा कर ले और उसके बाद इलेक्शन हो, तो उस इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन कहते हैं. समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रिजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर. कहता है कभी कभार जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, या आप कह सकते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जब इलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि जिस रिप्रेजेंटेटिव को आपने चुना था उसकी मौत हो जाए, या अगर उसने रिजाइन कर दिया है, तो फिर आप देखेंगे कि उसके लिए जो इलेक्शन होता है वह हम उसको बाई इलेक्शन कहते हैं. दिस इज नोन एज बाई इलेक्शन. ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं ये 5 साल के लिए नहीं चुने जाते हैं, बल्कि जितना टर्म बचा होता है उसके लिए चुने जाते हैं. तो ये बता रहा है. फिर कहता है टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड प्रोविजन ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज. कहता है कि समाज के तमाम तबकों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबलीज में हो, इसके लिए आप देखेंगे कि रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ सीट्स वगैरह को हम रिजर्व्ड कर देते हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट. खासकर क्या मतलब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है, ताकि जो है उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वह हो. जैसे अगर आप देखें तो 2012 में 84 सीट्स जो है वह रिजर्व किए गए थे शेड्यूल कास्ट के लिए, मतलब जो दलित हैं उनके लिए, और 47 सीट्स रिजर्व किए गए थे लोकसभा में. ये लोकसभा के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. तो 47 सीट रिजर्व किए गए थे जो है आदिवासियों के लिए. तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा. अगले वीडियो में हम लोग वोटर्स लिस्ट, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड
इपिक नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स को डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया समझ में आ गया है, जहां तक मुझको आशा है। अगले वीडियो में इसी लेसन के साथ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कि आपका थर्ड लेसन है, इसी लेसन के साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू।